मेरा नाम डीवी रामकृष्णा राव है। मेरे मिसेस के नाम एस क्लारेंस कृपाल ने है। हमारा अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से हम लोग आए हुए हैं। हम दोनों मोहब्बत के बाद शादी कर लिए हैं, तो हमारे बच्चों के विषय में हम लोग कोई भी मजहब या कोई जाति उनको देना नहीं चाहते हैं। तो हम सोचने से नहीं होता ना, इसलिए हम इसके लिए कोर्ट में अभी लड़ रहे हैं। हमारा जो लड़ाई चल रहा है हमारे जैसे लोगों के लिए, जिसका धर्म और जाति का क्लेम करने का नहीं है अवसर, वो अवसर नहीं ले रहे हैं, उनके लिए ऐसे मौका, ऐसे कालम देने के लिए हम पिछले 13 साल से हम लड़ रहे हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन में नो रिलीजन नो कैस्ट change.org ऑनलाइन पिटीशन किए हैं। वो पिटीशन में हम किस लिए लड़ रहे हैं पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अभी तक 55,000 से ज़्यादा लोग हमारा पिटीशन में साइन किए हैं। ऐसे मौका देने के लिए, एक समाज आगे बढ़ने के लिए ऐसे मौका, धर्म के बाहर, जाति के बाहर इंसान को पहचान करने के लिए हम लड़ रहे हैं। आप इसके लिए आप सब हमको सहायता करेंगे करके हम मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर एन आइडेंटिटी दैट इज नो रिलीजन नो कैस्ट, द आइडेंटिटी फॉर विच वी आर फाइटिंग इज सो फार इन अवर कंट्री और इन अवर स्टेट इट हैज नॉट बीन ऑफिशियली रिकग्नाइज, बट आउटसाइड द दिस वर्ल्ड इन अवर डे टू डे लाइफ this practice is there without religion, without any caste. It is a fact that not now, since a very long time that practice is there. So without any religious practices people are living together belonging to different religions or different castes. That itself proves that there is life and a successful life also there, but that should be recognized. And particularly in our Telugu states, as per the previous census report, among all the other states in Andhra, United Andhra Pradesh, there are 4 lakhs people are there living like that. So it is a fact that there are as many as more than some minority religions, Jains or some other religions are there, which has got in census a recognition. But these people who are not practicing religion are not been so far recognized, for which we made all our efforts at official level, approaching the authorities and all the things. Now finally we approached the High Court. In the High Court our PIL petition is still pending. Individual petition in which we got orders also in our favor, but PIL we filed not for individuals, for all the people who are living like us. So we are hopefully waiting, particularly in the coming census, now a new identity has to be put by creating a column, NRNC, that is no religion no caste, is what our demand, and we are hoping that court will give, for which we request the media to give sufficient propaganda which will be useful for all of us. दो बड़े रिलीजन के बाद एक सबसे बड़ा तबका है नो रिलीजन यानी मज़हब को नहीं मानने वाले, और हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं, ये आज कोई नई बात भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक उनकी अपनी पहचान बनाने के लिए सेंसस में एक कालम ज़रूर चाहिए कि नो कैस्ट या नो रिलीजन जो मानेंगे उनके लिए भी क्लियर कट एक उसका एक कालम होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। इसी तरह स्कूल में जब एडमिशन लेते तो वहाँ भी एक कॉलम होता है कि कौन सा कैस्ट है, कौन सा रिलीजन है। तो अगर रिलीजन नहीं है तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी भी हो रही है, तो वो भी वहाँ भी एक नो रिलीजन का भी एक कॉलम होना चाहिए, ये भी हमारा एक डिमांड है। इसी तरह अगर मज़हब जब एक पर्सनल ओपिनियन है तो नो मज़हब नहीं मानना भी एक उनको भी एक अपनी पहचान बनाना चाहिए। इसलिए कोर्ट में ऑलरेडी एक पिल पेंडिंग है, उसको जल्द से जल्द उसको अंजाम देना चाहिए, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक ज़रूर कोई एक्शन लेकर ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान बनाने बरकरार रखने की इजाज़त देना चाहिए, ये हमारा डिमांड है।